अस्सलाम वालेकुम साबिरा दा, की हाल चाल है? सब ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हुई है और यकीन माने कि दिल खून के आंसू होता है जब वो चीज़ें देखते हैं। अल्लाह पाक किसी के बच्चों को यतीम ना करें और किसी को बेघर ना करें। तो इसीलिए मेरी उन सब दोस्त अहबाब से, मुखय्यर हजरात से भी अपील है, देखिए कोई भी ऐसी, अल्लाह ना करे कि ऐसी ना कहानी आफत आती है तो हम हर बार एक दूसरे की हेल्प से ही किसी न किसी के घर को बचा सकते हैं और किसी न किसी के बच्चों का मुस्तकबिल बचा सकते हैं। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सब उनके दिल खोल के इमदाद करें। और यकीन माने कि हम यहाँ पे बैठे हैं, मैं यहाँ पे खेलने आया हूँ बाहर, आउट ऑफ कंट्री बरतानिया में। तो मैं यहाँ से बैठा, मेरी जितनी हसब तौफीक जो था मैंने वो किया उनके लिए, और इंशाल्लाह जैसे ही पाकिस्तान आऊँगा तो मज़ीद उनके लिए और भी कुछ करूँगा। तो जितनी मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी उससे मैं उनको मुस्तफ़ीद लाजमी करूँगा। और सेकेंड बात ये है कि आप लोग जितने भी उनके लिए, और इंशाल्लाह जैसे ही पाकिस्तान आऊँगा तो मज़ीद उनके लिए और भी कुछ करूँगा। तो जितनी मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी उससे मैं उनको मुस्तफ़ीद लाजमी करूँगा। और सेकंड बात ये है कि आप लोग जितने भी जहाँ जहाँ भी बैठे हैं वो सब लोग अपने हसब तौफीक उनकी हेल्प करें, और लाजम नहीं है कि हम उनको मुकम्मल तौर पे ही मुस्तफीद कर सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि हम किसी का आसरा बन सकते हैं हफ्ते के लिए, दो हफ्तों के लिए, महीने के लिए, ताकि वो इन दिनों में अपने पाँव पे खड़ा हो जाए और वो अपने फिर से दोबारा उसी रूटीन में और अपनी उसी लाइफ को दोबारा शुरू कर ले जो उससे हमारी आजमाइश में छीनी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों से भी और सब भाइयों से भी कि आप बढ़ चढ़ के उन दोस्त अहबाब की मदद करेंगे जो सैलाब ज़दगान, जो इस आफत ज़दा इलाकों में रह रहे हैं और जो वहाँ पे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और हम हमेशा गरीब लोगों की मदद करने के काबिल हैं।